नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी का जो एनालिसिस है उसके बारे में, निफ्टी का क्या व्यू हो सकता है आने वाले समय में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभी का जो रिसेंट प्राइस मोमेंटम है वो अबार्ड है। और यहाँ पर प्राइस मोमेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया और प्राइस ऊपर चला गया। और उसी तरह से देखिए यहाँ पर भी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया था और यहाँ से भी प्राइस ऊपर गया था। यहाँ पर आप इसके वीक को रिजेक्ट करेंगे, जो ये वीक बना है वीक को रिजेक्ट करें तो अगला जो कैंडल यहाँ पर बना है, जब ये गैप अप ओपन हुआ तो पहले तो ऐसे ही यह बुलिश हो गया, उसके बाद यहाँ पर गैप अप ओपन होने के साथ साथ इसका जो क्लोजिंग है पिछले दिन के क्लोजिंग से ऊपर है, तो ये भी एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। नहीं तो इस कैंडल को मिला ले अगले दिन के कैंडल को तो ये एकदम सॉलिड रूप से एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है ये, क्योंकि ये ऊपर ओपन हुआ काफ़ी ज़्यादा, यहाँ से यहाँ तक के प्राइस को इनगल्फ कर लिया। देखिए हम सिर्फ कैंडल को मत देखिए, प्राइस को देखें, यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्राइस मोमेंटम था ये पूरा का पूरा जो डाउन आया था उसको इनगल्फ कर लिया। इस प्राइस को इनगल्फ करने के बाद देखिए प्राइस हमारा क्या गया, ऊपर चला गया। फिर यहाँ पर बनाया, फिर से यहाँ इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और प्राइस ऊपर चला गया। वहीं देखिए यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना है और इस हैमर के बनने के बाद प्राइस ऊपर गया है। और इस हैमर के बनने के बाद यहाँ पर जो अगला ये बुलिश कैंडल बना है, ये कैंडल भी ये कई सारे कैंडल को इनगल्फ कर लिया है। देखिए इस कैंडल का जो क्लोजिंग है इस हैमर के ऊपर है और हैमर से पहले वाले कैंडल के क्लोजिंग से ऊपर है, उससे पहले वाले कैंडल के भी ऊपर है, तो ये लगभग तीन कैंडल को इनगल्फ कर रखा है। देखिए यहाँ पर ये सारे पैटर्न जो हमने आपको समझाया उसका मतलब यही है कि जब तक हमें यहाँ पे भी कोई हैमर ना दिख जाए, कोई बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न ना दिख जाए डेली चार्ट पर, तब तक हम यहाँ पर बेयरिश कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे ऑन द स्विंग बेसिस और पोजिशनल बेसिस। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर ट्रेंड लाइन का, अब देखिए यहाँ पर जो एक ट्रेंड लाइन जो कि एक रेसिस्टेंस है, तो इस ट्रेंड लाइन पर जाकर के यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस कर सकता है। साथ ही साथ आपको हमने पहले बताया 17,400 से 500 लेवल जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये यहाँ पे भी मोमेंटम स्लो डाउन हो सकता है। तो हम यहाँ पर यही प्रेडिक्ट करेंगे कि ये ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन चला आ रहा है निफ्टी का, तो यहाँ तक ये प्राइस मोमेंटम आए फिर यहाँ पर कोई बेयरिश कैंडल दिखता है तो हम यहाँ पर निफ्टी को सेल करने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी लगातार तीन कैंडल बना, यहाँ पर देखिए इस बार जो यहाँ पर रिजेक्शन हुआ है तो इसको कहते हैं थ्री बेयरिश क्रॉस, तो ये थ्री बेयरिश क्रॉस मिला और यहाँ पर फिर से प्राइस नीचे चलता गया। यहाँ देखिए ये एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल है, एक दो तीन चार कैंडल को इनगल्फ कर रखा है, पिछले चार कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये बेयरिश साइन है और यहाँ से प्राइस नीचे आया काफ़ी अच्छा। तो इसी तरह से हम जो यहाँ पर भी देखेंगे कोई बेयरिश पैटर्न मिलता है तो यहाँ पर हम बेयरिश ट्रेड के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज ये प्राइस मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ऊपर की ओर जा रहा है। 17,400 से 500 लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा या यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर ये रेसिस्टेंस फेस कर सकता है, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को ये क्रॉस करता है फिर से इसको रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद जैसे ऊपर प्राइस चलेगा, जैसे कोई पे इनगल्फिंग कैंडल बना जाए हैमर बना जाए तो वहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गए। बुलिश तो अभी भी है लेकिन यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर निकल गया फिर इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो काफ़ी ज़्यादा निफ्टी बुलिश हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक है उसमें आपको काफ़ी ज़बरदस्त तेजी आपको देखने मिलेगा। तो बस इतना ही सिंपल एनालिसिस हम रखेंगे, ज़्यादा फैंसी एनालिसिस यहाँ पर हम नहीं रखेंगे, बस इतना ही सिंपल कि यहाँ पर जब तक हमें कोई बेयरिश रिवर्सल पैटर्न ना मिलता है तब तक हम यहाँ बेयरिश ट्रेड के बारे में निफ्टी में नहीं सोचेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, जैसे कोई बेयरिश रिवर्सल यहाँ पर पैटर्न दिखेगा हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे वीडियो बना करके। तो आगे के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा।